जो प्रयत्न करते हैं वो वैसे ही कुछ ना कुछ पा लेते हैं, जैसे कोई गोताखोर मेहनत करने वाला गहरे समुद्र में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ लोग डूबने के डर से किनारे पर बैठे रह जाते हैं और खाली हाथ रह जाते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो घर से निकलते हैं और प्रयत्न करते हैं अपने सपनों को पूरा करने का। इन्होंने भी अपने प्रयत्नों से अपनी सफलता की कहानी लिखी, शब्दों की कला से लोगों के दिलों तक पहुंचे और अपनी सफलता प्राप्त की। अपनी टीम के मार्गदर्शक बने और सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड में डायमंड लीडर बने। मिस्टर नरेश चंद, इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट, जहां जीतना एकमात्र लक्ष्य होता है। उसी रेजिमेंट के 10 सितंबर 1986 को जन्मे नरेश चंद, पिता स्वर्गीय श्री जीत चंद इंडियन आर्मी में सेवारत थे और मां पार्वती देवी गृहिणी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गांव पचकाना में अपनी खेती और गांव के साथ रहा करते थे। चार भाई बहनों में नरेश सबसे छोटे थे पर शरारतों में सबसे बड़े। प्राइमरी पाठशाला पचकाना से शिक्षा की शुरुआत हुई, जूनियर हाई स्कूल दुंगा बतोली से 10वीं पास की और राजकीय इंटर कॉलेज बलुआकोट से 12वीं पास की। पिता आर्मी में थे तो आर्मी की तैयारी शुरू की। 2003 में पिता का देहांत हो गया। पर आर्मी जवान का खून था तो 2005 में पिता की वर्दी पहन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। समय गुजरा, जिंदगी के 9 साल आर्मी की नौकरी और घर की भागदौड़ में निकल गए। इस नौकरी के दौरान इग्नू से ग्रेजुएशन किया, बॉक्सिंग की और आर्मी में ट्रेनिंग देने का पदभार संभाला। नौकरी की जिम्मेदारी के बाद मां ने शांति चंद को चुना जीवन साथी के रूप में। शांति ने साथ निभाने का वादा किया। और अपने जीवन में सेफ शॉप नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आए, जो शादी के 2 माह बाद नरेश ने अपने साथी के कहने पर ज्वाइन कर लिया था। मालूम था अब नौकरी ज्यादा लंबी नहीं है तो अभी से ही फाइनेंशियली सेफ करने का काम शुरू किया जाए। पार्ट टाइम शुरुआत की, अपने गांव को चुना शुरुआत के लिए, पर गांव वालों ने सेफ शॉप को मिथ बताया और मना कर दिया। तो लौट कर शिलोंग आ गए, जहां फिर से शुरुआत की और निकल पड़े अपनी पत्नी के साथ, हाथ में नेटवर्क मार्केटिंग के दस्तावेज लेकर। जग सुना सुना ठहरा ठहरा सा, मेरा सपना अपना गहरा गहरा सा। जग सुना सुना ठहरा ठहरा सा। पर बीच में ही एक एक्सीडेंट हो गया, दोनों ने हिम्मत नहीं आई और इसी को करने का प्रयास जारी रखा। सफलता अभी दूर थी, आर्मी की नौकरी के साथ साथ व्यवसाय करना मुश्किल था। सारे शहर की जगमग के भीतर है अंधेरा, हर मुस्कान के पीछे छुपा हुआ गम का चेहरा।
यही है सच तो हर पल को जी लूं मैं जी भर के और हंस हंस के ये कह दूं दुखों के पत्थर से और बेटे युवन चंद के जन्म ने और जिम्मेदारी बढ़ा दी। कभी नौकरी पर लेट पहुंचते तो कभी नौकरी से भागकर गुवाहाटी, वहां से दिल्ली और वापस नौकरी। इसमें कभी कभी पनिशमेंट मिलता तो कभी निराशा। पर आर्मी में ट्रेनिंग देने वाले नरेश ने अब इस व्यवसाय की ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। ट्रेनिंग शुरू हुई। उमेश चौधरी सर और पीएल दास सर साथ दे रहे थे। और वो पत्नी मजबूत साथी बन साथ निभा रहे थे। तो आर्मी से रिजाइन देने का निर्णय किया। 12 साल की नौकरी के बाद 15 अगस्त 2018 को पूर्ण रूप से सेफ शॉप को करने लगे। और आज उसके 11 महीने बाद 10,000 की टीम के साथ बने सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड में डायमंड लीडर मिस्टर नरेश चंद। अपनी इन बॉडी
जी रे बेटा।